नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग भर्ती 2022 में। यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं एंड यहाँ पे जो पद होने वाले हैं ग्राम सेवक की, यहाँ पे भर्ती की जाने वाली है। पद स्थान एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड आप देख सकते हैं मिस्टर ट्रेगर जॉब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आपको यह इन्फॉर्मेशन पूरी फुल डिटेल्स के साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो बैंक का नाम रहने वाला है गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड GPSSB के द्वारा यह ग्राम सेवक की भर्ती की जानी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ग्रेजुएशन है एंड कुल पद यहाँ पे 1796 पदों पे भर्ती की जाएगी। पद का जो यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 से 38 साल यहाँ पे आयु सीमा रहने वाली है एंड अंतिम तिथि इसकी जो है 15/4/2022 तक के, इसे आप ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। भर्ती स्थान दोस्तों यहाँ पे गुजरात रहने वाला है, गुजरात में यहाँ पे भर्ती की जाएगी, गुजरात के लिए है यह भर्ती। यहाँ पे पद का जो नाम है कुल पद यहाँ पे टोटल ग्राम सेवक के लिए 1571 पदों पे भर्ती की जाएगी, मुख्य सेविका के लिए यहाँ पे 225 पदों पे भर्ती की जाएगी। कुल पद यहाँ पे 1796 पद है। योग्यता की बात करें दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो होने वाली है उम्मीदवार के पास रूरल स्टडीज BSc एग्रीकल्चर BE एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है एवं उम्मीदवार गुजरात राज्य का ही निवासी होना चाहिए। तो दोस्तों यह जो वैकेंसी है गुजरात के लिए है एंड गुजरात के निवासी ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास यहाँ पे मुख्य सेविका के पदों पर यहाँ पे जो भर्ती की जाएगी इसकी क्वालिफिकेशन जो है उम्मीदवार के पास होम साइंस या सोशियोलॉजी से चाइल्ड डेवलपमेंट का यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए एवं उम्मीदवार गुजरात का निवासी ही होना चाहिए। दोस्तों एज लिमिट यहाँ पे 18 से 36 वर्ष एंड सेविका के लिए 18 से 38 वर्ष यहाँ पे रहने वाली है। जनरल के लिए यहाँ पे जो फीस रहने वाली है इस फॉर्म की OBC SC ST की 0 है, जनरल वाले के लिए 100 रुपये है। फॉर्म भरने के बाद आप यहाँ पे नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है 30/3/2022 है एंड फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15/4/2022 रहने वाली है। तो दोस्तों यह गुजरात की पंचायत जो होने वाली है यहाँ पे भर्ती सेवक एंड ग्राम सेविका के लिए भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों आप अगर गुजरात से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आना है एंड पूरी डिटेल्स चेक कर लेनी है, फिर इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आपके पास गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी एंड यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही GPSSB ग्राम सेविका पंचायती यहाँ पे जो भर्ती है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे किस पद के लिए आपको भरना है, यहाँ आपको चुनना है ग्राम सेवक के लिए या फिर मुख्य सेवक के लिए। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप अपने अगर SC ST हैं तो आपको फीस नहीं देनी है, अगर EWS में जनरल में आते हैं तो आपको यहाँ पे फीस 100 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पे हम आपको बता दें इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन ग्राम सेवक के लिए कुछ इस तरीके से रहने वाला है एंड गुजरात की यह भाषा पे है तो यह मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों पे शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।